दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लीगल नेटवर्क मार्केटिंग और इलीगल स्कीम के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो लीगल नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, जो सामान जो मिलता है हम लोग को, जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो क्या है, वो इंसान के लिए लाभदायी है। लेकिन जो इलीगल कंपनीज जो होता है, इलीगल स्कीम जो होता है, उससे क्या होता है, उसमें प्रोडक्ट नहीं मिलता है, उसमें यूजफुल प्रोडक्ट नहीं रहता है। सिर्फ क्या करता है, उसमें कोई ऐसे चीज होता है जो फ्रॉड टाइप का होता है, उसमें हवा हवाई में सारा चीज बताया जाता है। सेकेंड पॉइंट, लीगल मार्केटिंग में क्या होता है, उसमें नो लार्ज इन्वेस्टमेंट, इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, न स्टॉक का मेंटेनेंस करना है। जबकि इलीगल नेटवर्क स्कीम में क्या होता है, लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है, और उस लार्ज इन्वेस्टमेंट के कारण हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्टॉक मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट क्या है, लीगल मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग में, इसमें जो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलता है, उसको सेल करने के बाद एक सर्टेन अमाउंट का परसेंटेज जो कमीशन के तौर पर हम लोग को मिलता है। और इलीगल में क्या होता है, मनी रोटेशन। इलीगल कंपनी मतलब क्या, मनी मार्केटिंग, उसमें क्या, जितना ज्यादा आप पैसा दीजिएगा उतना ज्यादा कमीशन आपको मिलेगा। चौथा पॉइंट, लीगल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, उसमें कोई फिक्स इनकम नहीं रहता है, उसमें कोई लिमिटेड इनकम नहीं रहता है। जबकि इलीगल में क्या होता है, उसमें फिक्स्ड इनकम रहता है, फिक्स्ड इनकम, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, कम भी हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। पांचवा पॉइंट, लीगल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, उसमें इनकम किस आधार पे होता है, प्रोडक्ट को बेचने के बाद हम लोग को इनकम आता है। लेकिन इलीगल कंपनी, इलीगल स्कीम में क्या होता है, जितना ज्यादा रिक्रूटमेंट होगा उतना ज्यादा इनकम। रिक्रूटमेंट मतलब क्या, जितना ज्यादा आप रिक्रूटमेंट करेंगे उतना ज्यादा आप पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो जित कस्टमर का पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इनकम, और आपका जो इनकम है वो उसी से आधार पर आएगा। तो दोस्तों, यही है लीगल नेटवर्क मार्केटिंग और इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग का फर्क, डिफरेंस। थैंक यू दोस्तों।